शुक्रवार को कानपुर में हुए दंगे के सिलसिले में पुलिस ने एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 36 उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने दंगे में एक्टिव रोल निभाया था। इसमें समाजवादी पार्टी के सचिव रहे नाजिम कुरैशी का भी नाम है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि नाजिम कुरैशी को 22 मई को ही बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस ने 3 जून को हुए दंगे के सिलसिले में 29 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है वह है हयात जफर हाशमी। हाशमी को कल लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास मिले दस्तावेजों से संकेत मिले हैं कि दंगे में पीएफआई काफी रोल हो सकता है। जफर हाशमी के बारे में और क्या जानकारी मिली है, उसकी गिरफ्तारी से दंगे की कितनी गुत्थियां सुलझ गई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम लोग कभी वंदे मातरम की शक्ल में, कभी कभी जय श्री राम के शक्ल में हम पर जुल्म सितम ढाए जाते हैं। तभी काय को मुद्दा बनाकर हमें हलाक कर दिया जाता है। भड़काऊ बयान, मस्जिद में मीटिंग, सोशल मीडिया पर मैसेज, 3 राज्यों में बंद का ऐलान। और जुट गए हजारों दंगाई। कानपुर में नई सड़क, परेड चौराहा, चंदेश्वर हाता और दादा मियां का हाता में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद दंगा हुआ। इसके पीछे क्या साजिश थी, कौन मास्टरमाइंड था, कैसे दंगे की तैयारी की गई, इन सभी सवालों के जवाब सामने आने लगे हैं। दंगों के आरोपी हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी के बाद साजिश की परतें खुल रही हैं। प्लानिंग का पर्दाफाश हो रहा है, दंगाइयों के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। जो मणिपुर और वेस्ट बंगाल का मैंने पीएफआई का मेंशन किया था वो ये था कि मणिपुर और वेस्ट बंगाल में 3/6/2022 को वहाँ पे कॉल हुआ था बंद का, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसी कॉल के बेसिस पे या वहीं से दिशा निर्देश प्राप्त करके या जैसा भी है यहाँ पर ये बंद का आह्वान किया गया हो। तो हम ये सारे चीज़ों की जाँच कर रहे हैं, लिंक्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बेसिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दंगई को, उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा, मैं आपको अश्वर करता हूं। पिछले शुक्रवार को कानपुर में जो दंगा हुआ वो अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे था इस शख्स का शातिर दिमाग जिसका नाम है हयात जफर हाशमी। शुक्रवार 3 जून को कानपुर के बेकनगंज में हुए दंगों में जफर हाशमी के सेंट्रल रोल का पता चला है। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक कानपुर के प्रेमनगर इलाके का रहने वाला जफर हाशमी ने ही पूरी प्लानिंग की। दंगों से पहले 3 मस्जिदों में मीटिंग हुई, कानपुर बंद का कॉल लिया गया, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज भेजे गए, हजारों की भीड़ जुटाई गई, ठेलों पर ईंट पत्थर जमा किए गए। इसके बाद एक इशारे पर दंगा भड़क उठा, पुलिस पर पथराव के लिए अचानक भीड़ जमा हो गई। कानपुर में दंगा उस वक्त हो रहा जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अधिकारियों का अमला मौजूद था। दंगाइयों को पता था कि वीवीआईपी मूवमेंट के चलते पुलिस का फोकस उस पर होगा, उनके इलाके में पुलिस प्रेजेंस कम होगी, बस मुट्ठी भर पुलिस वाले होंगे और दंगाई उन पर भारी पड़ेंगे। हालात इतने खराब थे कि पुलिस अधिकारियों को दंगाइयों को सख्त एक्शन की वार्निंग देनी पड़ी थी। किस तरह की वार्निंग लोगों को दी गई थी, जब आपने देखा कि आपकी संख्या बहुत कम है, सामने हजारों की भीड़ है, तो किस तरह की वार्निंग दी? हम लोगों ने यही कहा कि अगर आप लोग जो है रोड से नहीं हटोगे तो हम जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जितना कड़ा बल प्रयोग कर सकते हैं वो हम करेंगे आपके विरुद्ध। तो ये हम लोगों ने वार्निंग जो है भीड़ को, और खासतौर से हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग किया उसमें, और लोगों को बताया भी, वार्निंग भी दी कि आप तितर बितर हो जाइए, अदरवाइज आपके हम जितनी भी सख्त कार्रवाई होगी हम करेंगे। जनरली प्रधानमंत्री का दौरा होता तो वहाँ डिप्लॉयमेंट ज्यादा होती है, क्या उस दिन डिप्लॉयमेंट आम दिनों के मुकाबले कुछ कम थी? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो रोजमर्रा की जो पुलिसिंग होती है उस पुलिसिंग के हिसाब से ही हम लोग रहते हैं, बट कभी 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 जरूरतें हमारी ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन बहुत कम डिप्लॉयमेंट था, लेकिन ये था कि फोर्स हमें उस टाइम में तत्काल कम मिल पाई थी, इस वजह से। तो उस वक्त फोर्स कम थी, सिर्फ 7 जवान और हजारों की भीड़,
वहां खान साहब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, गाड़ी को तेजी से दौड़ाया, जिसकी वजह से भीड़ तीन हिस्सों में बट गई, जिस पर उन्हें काबू करना आसान हो गया। दंगाई काबू में आए तो साजिश की परतें खुलने की शुरुआत हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज का पता चला, 200 से ज्यादा वीडियो रिव्यू किए गए। पुलिस ने ग्राउंड पर मौजूद ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली। पता ये चला कि कानपुर में दंगा भड़काने के लिए 4 मॉड्यूल काम कर रहे थे और इनका मास्टरमाइंड था हयात जफर हाशमी। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और UPSTF की मदद से लखनऊ से पकड़ लिया गया। जब घटना घटित हुई, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात जब लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने बताया कि ये इस तरीके की परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई, घटना क्यों घटित हुई, तो इसमें जफर हाशमी का नाम आया और उसके कुछ साथियों का नाम आया। उसी में इन्हीं के बीच के लोगों से जब ह्यूमन इंटेलिजेंस गदर करी कि उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर है वो, तो लोगों ने बताया कि वो लखनऊ चला गया है। फिर उसको लोगों के माध्यम से उसको ट्रैक किया गया और तत्काल लखनऊ टीम भेजी गई और टीम को सफलता मिली। जब हाशमी एवं उसके 3 साथी उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ के अंदर अभी तक ये कुछ और नाम भी हमारे सामने निकल कर आए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 6 मोबाइल लिए हैं अपने संरक्षण में, जिसमें हम लोग चेक करा रहे हैं इनके व्हाट्सएप किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम किससे जुड़े हुए हैं और किस किस से इनके द्वारा पिछले 7 दिन में 10 दिन में बात की गई। तो उस बातचीत से इनका पूरा नेटवर्क, उसको हम लोग खंगाल रहे हैं और उस नेटवर्क के माध्यम से सब अन्य लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी के बाद दंगों की साजिश की एक एक परत सामने आने लगी है। पुलिस ने उसके पास से कई दस्तावेज बरामद किए हैं। ये दस्तावेज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसोसिएटेड संस्थाओं के हैं। हयात जफर हाशमी के पास AIIC, SDPI, CFI, RFI के दस्तावेज मिले हैं। ये चारों संस्थाएं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हैं। PFI इन संस्थाओं की फंडिंग करती है। पुलिस को हयात जफर हाशमी के बारे में सुराग उसकी संस्था MMAs और फैंस एसोसिएशन के सोशल मीडिया पेज और ग्रुप से मिली। जब इनको खंगाला गया तो दंगों की पूरी साजिश क्लियर हो गई। पता चला कि पूरी साजिश व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रची गई, भड़काऊ बयान देकर भीड़ जुटाई गई, कश्मीर की पत्थरबाजी से वीडियो शेयर किए गए, ग्रुप मेंबर्स को हिदायत दी गई थी कि वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर हाइड करके रखें जिससे पहचान उजागर ना हो। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों के मोबाइल जब्त किए हैं, उनकी क्लोनिंग की है। हयात जफर हाशमी के मोबाइल की भी पड़ताल की गई है, डेटा निकाला गया है जिससे जाहिर होता है कि बंद के नाम पर भीड़ इकट्ठा की गई, पथराव के लिए ईंट पत्थर जुटाए गए और हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर बवाल किया। उस टाइम पे ऐसा था कि काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और इकट्ठा होकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे थे और एक ऐसी जगह भी आई जहां पर की मिक्स पॉपुलेशन एरिया था, तो वहां पे स्कफल के चांसेस बढ़ गए और थोड़ा स्कफल भी हुआ जिसके पास से पत्थरबाजी हुई वहां पे। तो हमें ये डर था कि आपस में जो है बहुत ज्यादा स्कफल होगा तो नुकसान भी हो सकता है, तो इसके मद्देनजर हम लोगों ने फॉरन स्ट्रेटजी बनाई कि हम सीमित बल में कैसे जो है हम चीजों को, ताकि हमारे पास और फोर्स आ जाए, तो उसमें जो है हमने जो ड्राइवर हमारे थे तो उनको जो है हमने जो है इंस्ट्रक्शन दी कि आप जो है तेजी से गाड़ी को जो है आगे बढ़ाओ, हम लोग पीछे से उसको आएंगे ताकि जो है भीड़ जो है कई पार्टों में टूट सके, ताकि हमें वक्त मिल सके और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम लोगों ने जो है आगे काम किया। कितने पुलिस वाले उस वक्त यहाँ मौजूद थे? कुल 6-7 लोग थे हम लोग, और उसमें ही हमें लेकिन मजबूती से काम करना था ताकि जो है हम चीजों को नियंत्रित कर सकें और लोगों को संयमित कर सकें। पुलिस को दंगे में हयात जफर हाशमी की भूमिका का अंदाजा तब हुआ जब दंगों के वक्त उसकी लोकेशन यतीम खाना मिली जहां भयंकर पथराव हुआ था। एक और आरोपी जावेद की लोकेशन भी वहीं की थी। गिरफ्तारी के बाद जब जफर हाशमी के मोबाइल का डेटा खंगाला गया तो क्लियर हो गया कि कानपुर में बंद बुलाकर भीड़ जुटाकर दंगा करने में मेन रोल हाशमी का ही था। हालांकि परिवार का दावा है कि जफर हाशमी ने तो पुलिस से बातचीत के बाद 3 जून के कानपुर बंद का ऐलान वापस भी ले लिया था। उनका नाम फिर कैसे आया जब ये वापस ले लिया गया था कॉल, तो फिर प्रदर्शन कैसे हुआ? इसकी जांच अभी तक नहीं कराई गई है। ये पुलिस कितना सच बोलती है, आप अनजान नहीं और हम भी अनजान नहीं। पुलिस की सच में हमेशा काला निकला है, आप भी इस बात से बाखूबी जानते हैं, समझते हैं, हम भी इस बात जानते हैं। अभी भी इसकी जांच मेरे प्रशासन से यही
अपील है कि मेरे भाई की जो ये हादसा हुआ, जो भी ये कानपुर शहर में बवाल हुआ है, इसकी एक स्पष्ट जांच कराई जाए, जो भी आरोपी पाए जाते हैं उनको सजा दी जाए। पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि 5 तारीख का प्रोग्राम था मेन, जिसको 3 तारीख में प्रीपोन किया गया और ये सारा बवाल हुआ। जी, 5 तारीख के प्रोग्राम को रद्द किया गया, वो आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब वो हम दिखाएं आपको, 1 बजे मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी है, आप आइए, हम आपको विद प्रूफ दिखाते हैं क्या कहा गया और कहाँ पे क्या मना किया गया। संगीन धारा लगा दी, किस बेस पे लगा दी आपने, जांच कराया नहीं, ग्रहण बिठाया नहीं, कुछ हुआ नहीं, पुलिस की एक कहने पे आपने जांच, वो इतनी संगीन धारा लगा दी, 307 किस बेस पे लगाई आपने? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है? ठेले पे लेके जा रहे घूमे, वीडियो है, अंधी लगा रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं आप लोग, साफ साफ झूठ बोलना बंद करिए, जो ईमान की बात है उसको करिए, सच्चाई साबित करने की कोशिश करिए। अगर पुलिस नहीं कर पा रही, पुलिस बैठ जाए अपनी कुर्सी पे, इस पुलिस का काम हम कर दे रहे हैं। हयात जफर हाशमी कानपुर के प्रेमनगर इलाके का रहने वाला है, वो इलाके में काफी एक्टिव रहता है। मौलाना मोहम्मद अलीज और फैंस एसोसिएशन के नाम से एक संगठन चलाता है। हाशमी खुद को एक समाज सेवी, एक फिलेथ्रोपिस्ट और सोशल वर्कर बताता है। वो मौलाना मोहम्मद अलीज और फैंस एसोसिएशन के नाम से एक संगठन भी चलाता है। हयात जफर हाशमी के ऊपर शहर के अलग अलग थानों में गैंगस्टर और गुंडा एक्ट समेत अब तक 9 मुकदमे दर्ज हैं। सबसे ज्यादा केस सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के मामले हैं। ज्यादातर मुकदमों में हयात पर चार्जशीट लग चुकी है। आरोप है कि इसके बाद भी वो बेरोक टोक शहर में खुलेआम घूमता रहा। 2019 में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए दंगों में भी हाशमी का नाम आया था। पुलिस ने केस दर्ज भी किया, लेकिन बाद में उसका नाम हटा दिया गया। इस वक्त हम कानपुर के प्रेमनगर में है। पुलिस ने जो कानपुर में बवाल हुआ उसके लिए मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर हयात जफर हाशमी का नाम लिया है। ये एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन है, उसका ऑफिस है, जफर हाशमी का घर है और यहीं पर एक कोटे की दुकान चलती है। पुलिस का कहना है कि इन्हीं की तरफ से सबसे पहले प्रदर्शन की कॉल दी गई थी, लेकिन परिवार का कहना है कि पुलिस के कहने पर वीआईपी मोमेंट को ध्यान में रखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन 3 तारीख को जुमे के बाद पथराव और हिंसा हुई। अब इसी जफर हाशमी को मुख्य आरोपी बताया गया है। आपको बता दें कि जफर हाशमी अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताता है और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहा है और अपनी सामाजिक पकड़ बनाने में जनता की सेवा करना या कोरोना काल में उनकी मदद करना, जफर हाशमी दावा करता है कि उसने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन फिलहाल जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां अगर आप देखेंगे तो जो राशन की दुकान है वो जफर हाशमी की बहन चलाती हैं, बहुत सारे लोग राशन लेने के लिए आए हुए हैं और परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। परिवार का कहना है कि पुलिस हयात जफर हाशमी को फंसा रही है, वो तो एक सोशल वर्कर है। हाशमी जी ने क्या इस बंद की कॉल दी थी? क्या आप प्रोटेस्ट के लिए पोस्टर लगवाए थे? जी, बंद के लिए कॉल दी गई थी, ये आह्वान किया गया था कि 3 तारीख को कानपुर बंद किया जाएगा। मगर एसपी साहब और कमिश्नर साहब की मौजूदगी में इन्होंने दबाव बनाया कि उस टाइम कानपुर में पीएम सीएम एंड राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, इसलिए प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया जाए। तो उनकी बात मानते हुए प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया था और इसकी एक वीडियो भी रिकॉर्डिंग है, इसकी लिखित में भी दी गई है, कमिश्नर साहब इस बात के प्रूफ है। चलिए थाने में भी दिखा दें, वहां पे भी ये बात रखी गई थी, प्रोग्राम हमने कैंसिल रद्द कर दिया। अब तो उस प्रोग्राम अगर रद्द हो गया फिर ये कैसे प्रोग्राम हुआ? उसमें शामिल थे? उसमें ना शामिल थे ना वहाँ मौजूद थे, ये फर्जी सिर्फ पुलिस ने अपने चार तरीक फंसाया गया है। फिलहाल कोर्ट ने हयात जफर हाशमी को जेल भेज दिया है। कानपुर में दंगों की जांच की एक एक परत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उधेड़ रही है। 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार के सख्त रुख को देखते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द दंगाइयों से इंसाफ होगा, उन्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।